ज्ञानतिम्रा ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नुमिलितम् एन तस्मै श्रीगुर्वे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितम् एन भूतले स्वयम् रूपः कदामयम् ददाति स्वदांंतिकम् वन्दे अहम् श्री गुरु श्री उत्पदकमलं श्री गुरु नवैष्णवाश्चो श्री रूपं सागरजातम सहगणललिता श्री विशाखानविताश्चो हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत कांत नमोस्तुते राधा राधाकांत नमोस्तुते हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे जय गोपाल प्रिय भाई बहन प्रिय श्रोतागण सत्संग प्रेमी जनों स्वागत है आपका हार्दिक श्रीमद भागवत गीता की सत्संग समारोह में प्रहारिये और मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कीजिए ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ सुदेवा ओ नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत नरम च नरोतम देवी सरस्वती व्यास जया मुदीरए नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी ओ शान्ति 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 सुशांति भव जय गोपाल ग्रंथरा भागवत गीता सभी को आनंद प्रदान करने वाली सच्चे मार्ग पर ले जाने वाली भगवान से मिला देने वाली भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है पदना, भगवान पद्मनाभ श्री कृष्ण के मुख से निस निकली हुई वानी है निष्कासित हुई है या स्वयं पद्मनावश्य मुख ही सत्ता निश्रित होने वाली बानी है भगवान के मुखारबिन से ज्ञान के फूल झड़े हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जिनका पान कर रहा है और अर्जुन के माध्यम से अर्जुन की जिज्ञासा भरे प्रश्नों से ये सभी संसार को भागवत गीता का ज्ञान मिला है आइए भागवत गीता के अध्याय में अंतिम श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हुए कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन यदि कोई बुरे कर्मों करने वाला प्राणी भी दुष्कृतिनों जो बुरे कर्म करता है पाप कर्म करता है पाप कर्मों में उलझा हुआ प्राणी है वो व्यक्ति भी किसी मेरे शुद्ध भक्त की शरण में आके मुझे जानने का प्रयास करे और मेरा भजन करे तो वह भी मुझे प्राप्त कर लेता है और वह साधु है उसको साधु कहना चाहिए पापी या छोटा नहीं कहना चाहिए या बुद्धि ही नहीं कहना चाहिए वो साधु साधु रे मंतव्य साधु के समानी उसको समझना चाहिए जो मेरे भजन में लग गया है दुष्कृतिनों चाहे भले ही उसके काम अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं बुरे कामों में उलझा हुआ है चोर है चोरी कर रहा है डाका है डाका डाल रहा है डाकू बेईमान बेईमानी कर रहा है रिश्वत लेने वाला रिश्वत ले रहा है फिर भी यदि वह मेरी सेवा में मेरे भजन में मेरे ध्यान में अपना जीवन व्यतीत करता है तो वह भी साधु कहलाने का हकदार है उसे भी साधु कहना चाहिए वो साधना कर रहा है साधना करते करते एक दिन इसके बुरे काम गिर जाएंगे और अच्छे काम करने लगेगा बुरे विचार गिर जाएंगे अच्छे विचारों से जीवन जीने लगेगा क्षिप्रम बहुति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौनते प्रति जानी ही भक्ता प्रयच्छति यदि कोई दुराचारी भी भगवान का भजन करता है कोई लेस इंटेलिजेंस और लेस इंटेलिजेंस वूमेन और प्रास्टिट्यूट वैश्या और कोई व्यापार में फंसा हुआ उधेड़ बुन में लगा हुआ रात दिन पैसे गिनता हुआ भी व्यक्ति मेरे भजन ध्यान में लग जाता है मुझे नहीं भुलाता अपनी दिनचर्या में तो वह भी मुझे प्राप्त करता है अभ्यास से साधना से साधन साधन भक्ति क्या है यह ऐसे ही लोगों के लिए है भक्ति के तीन दर्जे शास्त्र में रूप गोस्वामी महाराज भक्ति रसाम सिंधु में विस्तार से वर्णन करते हैं कि तीन प्रकार की भक्ति होती है इसमें एक साधन भक्ति होती है भक्त जो है साधना में लगता है गुरु के चरणों में प्रणाम करता है तिलक निकालता है माला धारण करता है जप करता है सुबह जल्दी उठता है गुरु जो जो आदेश करता है वो सब पालन करता है साधना करता है अभ्यास करता है मंत्र जप करता है हरे कृष्ण हरी कृष्ण 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 हरि हरि हरी राम हरि राम 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 हरि हरी जो भी उनका गुरु मंत्र दे भगवान के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री राम का मंत्र श्री राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम, राम। इत्यादि श्री कृष्ण शरण ओम भूर्भुआ स्व तत्सवितुर्वण्यम भर्गो देवस् धीमहि धियो यो नहा प्रचोदया ये सब उस परमेश्वर के मंत्र हैं इनमें परमेश्वर की प्रार्थनाएं हैं उनको रिझाने के मंत्र है साधन भक्ति है दूसरे दर्जे पर भाव भक्ति है साधना करते करने, करते करते और भक्त के भाव खिलने लगते हैं भाव में प्रवेश होने लगता है भाव को होने लगता है कभी प्रेम के अस्त्रु झलकते हैं कभी वियोग के अस्त्रु झलकते हैं आंखों से कभी भगवान को जोर जोर से पुकारता है अलाप लगाता है कभी ऊंचे स्वर में कीर्तन करता है नाचता है गाता है कभी फूल चुन के लाता है भगवान के चरणों में अर्पण करता है कभी सुंदर भगवान को भोजन बनाता है भोग लगाता है उसके भाव निखरने लगते हैं कभी उदासीन सा बनकर बैरागी बनकर और सड़कों पर चला जाता है बाजार में चला जाता है जंगल में चला जाता है नदी के किनारे बैठ जाता है गुम सुम करके प्रभु की याद में भाव विभोर रहता है ये दूसरे दर्जे का ऊंचा पहुंचा हुआ भक्त है साधन भक्त से ऊपर है तीसरे दर्जे पर प्रेमा भक्ति है कहिए कि प्रथम दर्जा प्रेमा दर्जा भक्ति का है दूसरा दर्जा भाव भक्ति का है और तीसरा साधन भक्ति का है प्रेमा भक्ति सर्वश्रेष्ठ है प्रेमा भक्ति जिसके हृदय में प्रकट हो जाती है इसी को परा भक्ति कहा है इसी को शुद्ध भक्ति कहा है निर्मला भक्ति इसमें मल नहीं विकार नहीं इस फर्स्ट दर्जे की भक्ति में भक्त रोता है तो संसार के लिए नहीं रोता या इसलिए नहीं रोता कि मेरा मंदिर नहीं बना या मेरा घर नहीं बना या मेरे बच्चा डॉक्टर नहीं बना या कोई दुख से पीड़ित होकर नहीं प्रेमा भक्ति में भक्त का जो महाभाव खिलता है वो परम शुद्ध होता है प्रभु से के दर्शन चाहता है प्रभु से मिलना चाहता है प्रभु से बात करना चाहता है प्रभु को आलिंगन करना चाहता है प्रभु का वियोग सहन नहीं होता है उससे जलता है जलन पैदा होती है हृदय में बिरह अग्नि में जलता है प्रेम भक्ति का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण शास्त्रों में गोपियों का दिया गया है श्रीमद् भागवत गीता में सुखदेव गोस्वामी जी व्याख्यान करते हुए उपदेश कर रहे हैं कि प्रेम भक्ति गोपियों के हृदय में सर्वश्रेष्ठ होती है गोपियां भगवान को नहीं भुला पाती उनके चिंत चिंतन में सदैव चित्त चोर बसे रहते हैं उनके मनन में माखन चोर बसे रहते हैं उनके निद्रा में नेटवर नागर होते हैं उनके कर्मों में कृष्ण कन्हैया होते हैं अष्ट प्रहर प्रभु को नहीं बुला पाते प्रेमा भक्ति में ओत प्रोत होते हैं यह निर्मला होती है ये भक्ति इसमें मल नहीं होता पहली और दूसरे दर्जे की भक्ति में कुछ मल अवशेष रह जाता है दूसरे दर्जे की भक्ति में भी भक्त भाव भक्ति में विचार उठाता है भगवान से प्रार्थना करता है एक बहुत सुंदर तेरा मंदिर बनाना चाहता हूं विशेष खंभों के साथ 108 मार्बल के विशेष खंभे हों तेरे मंदिर में सुंदर गुंबज बनी हुई हो मार्बल की प्रकाशित हो और दिव्य मूर्तियां आपकी मंदिर में विराजमान हो हे भगवान मेरे ऊपर कृपा कीजिए गोविंद मेरे ऊपर कृपा कीजिए मैं आपका मंदिर बनाना चाहता हूं इसमें भी अश्रुपात होते हैं ये भाव वक्त भी साधारण नहीं ये भी श्रेष्ठ वक्त है प्रेमा भक्ति बहुत विशेष है जिनको प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है इस संसार में वो नहीं रहते ये देह त्याग कर वो अपने प्रभु को मिल जाते हैं प्रभु की ओर चले जाते हैं प्रभु के धाम में चले जाते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं गोपियों का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण प्रेमा भक्ति में दिया गया है गोपिया अपने घर में रहती थी अपनी पतियों के लिए सेवा करती थी बच्चों को पालती थी भोजन बनाती थी गऊ का दूध निकालती थी घर को साफ करती थी पानी भर भर के लाती थी खेतों पर जाके काम करती थी लेकिन उनके चित्त से चित्त शोर भगवान श्री कृष्ण नहीं उतरते थे सदैव पागल सी बनी रहती थी उनके देखने के लिए लालायित रहती थी उनका कानों में यदि कृष्ण का नाम भी आ जाए तो होश भूल जाती थी ऐसे और भी भक्त हुए हैं बहुत उदाहरण है जिनके कानों में भगवान का नाम भी आ जाए तो महाभाव को प्राप्त हो जाते हैं कोई उनके ऊंच को ऊंचे स्वर में पुकार दे वो महाभाव को प्राप्त हो जाते हैं रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना है सबने वो बड़े प्रकाशमान भक्त थे काली माता के भक्त थे लेकिन उनका नाम तो राम और कृष्ण नाम से संबोधित था जब कोई उनको कोई आवाज देता था राम कृष्ण उनका कोई मिलने वाला साधु महात्मा तो उनको महाभाव आ जाता था अचेतन होने लगते थे कि भगवान राम का और कृष्ण का नाम मेरे कानों में आता है मैं कितना भाग्यशाली हूं रामकृष्ण ने भी वृंदावन में भक्ति की थी भगवान की गोपी भाव में ही भक्ति की थी उनके विशेष प्रमाण इस बात के और वो गोपी स्वरूपाई हो गए थे प्रमाण मिलते हैं इस बात के कि छह महीने के अंदर भी उनका भाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति उच्चतम शिखर पर पहुंच गया था उनके स्तन उभरने लगे थे गोपियों की तरह किसी स्त्री के जैसे स्तन उभरते हैं गोपी भाव में भक्ति करते थे वो एक ऐसे संप्रदाय है वृंदावन में जिसमें गोपी भाव में भक्ति होती है तो भक्त कहीं से भी भगवान की भक्ति करना शुरू करे वो उच्चतम शिखर पर पहुंचता है जिस भाव से भी करता है सखा भाव है मित्रवत भगवान को व्यवहार करते हैं लोग दास भाव है बात्सल भाव है माता पिताओं की तरह भगवान को पूछते हैं पालते हैं खिलाते प्रेम करते हैं नाम लेते हैं उनका जैसे माता पिता अपने बेटे का, ठीक वैसे जैसे यशोदा रानी कन्हैया का कान पकड़ के कहती थी बोल कन्हैया सब लोग कह रहे हैं तूने तो माटी खाई है, दिखा मुंह खोल के दिखा भगवान ने दिखाया लेकिन यशोदा माने तो ब्रह्मांड देखा अंदर मुंह में तमाम ब्रह्मांड चांद सूरज नंद बाबा का घर और उसमें नंद बाबा बैठे हुए हैं महाभाव मा, में आ गई मूर्छा हो गई बुला दिया कृष्ण ने सब कुछ क्या देखा क्या नहीं देखा भगवान ब्रज में मिट्टी खा रहे हैं यह जानकर कि इस ब्रज भूमि में मेरे एक से एक बढ़कर शुद्ध भक्त जन्म लेते हैं ले रहे हैं आज भी हैं कल भी थे कल भी होंगे आज भी हैं आज भी भगवान के शुद्धतम भक्त वृंदावन गोकुल बरसाना नंदग्राम बाहुलावन कदमबन इनमें मिलते हैं और इतने सीधे सरल स्वभाव में मिलते हैं कि आप उनको पहचानने में गलती कर देंगे नहीं पहचान पाएंगे शुद्ध भक्त आडंबरी नहीं होता दिखावा नहीं करता ना ही या।